सब्सक्राइब कीजिए द इंडियन फीवर चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए इसी तरह की लेटेस्ट और कमाल की वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूँ कि आप लोग अपनी ड्रीम हाउस को कैसे खरीद सकते हैं। यहाँ पे कई लोगों द्वारा मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि हम इतने तक का घर खरीदना चाहते हैं तो हमें कितना निवेश करना चाहिए और कितना जो कि अगर कोई फंड रिटर्न देता है तो हम इतने अचीवमेंट को पा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ, आप लोग को एक निवेश का तरीका बताऊंगा, एक निवेश की प्लानिंग बताऊंगा कि आप लोग अपने घर की प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं अगर आप लोग फ्यूचर में अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे द इंडियन फीवर चैनल और मैं हूँ रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन फीवर चैनल में स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था राजेश सिंह जी की तरफ से, वो कई दिनों से मुझे ईमेल कर रहे थे तो मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाया है मेनली और बाकी उन्हीं के माध्यम से आप सभी की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहाँ पे उनको चाहिए 1 करोड़ तक की फंड प्लानिंग, यानी कि वो 1 करोड़ तक का घर खरीदना चाहते हैं अगले 5 से 10 सालों के बीच में, यानी कि उनकी 5 से 7 साल तक की प्लानिंग है। और दोस्तों यहाँ पे अपने आप को भी आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने बच्चे को गिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपका बच्चा अभी 15 साल का है उसको 10 साल या फिर 15 साल बाद उसे घर गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग आप अभी से शुरू कर लिए, जिससे कि आप लोग को फ्यूचर में लोन नहीं लेना पड़ेगा। और अगर आपकी शादी हो गई है और आप चाहते हैं कि 5 से 6 साल बाद आपको खुद का घर हो और किस तरह का फंड हो तो यहाँ पे आप लोग को ये देखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप लोग को प्लानिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोग कितने साल बाद अपने घर को चाहते हैं, मतलब कितने साल बाद आप लोग घर खरीदना चाहते हैं। वो हो सकता है 5 साल, वो हो सकता है 10 साल, वो हो सकता है 15 साल। तो मिनिमम यहाँ पे 5 से 10 सालों की बात होती है, तो यहाँ पे हम 5 से 10 सालों के बीच में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को देखना यह है कि आप लोग का स्ट्रेटेजी कैसी है, यानी कि आप लोग कितना निवेश कर सकते हैं महीना। यहाँ पे अगर महीना की बात कर लिया मैंने तो यहाँ पे आप लोगों को SIP बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के घर के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे SIP की बात होगी तो SIP चूज कैसे करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को SIP चूज करने के लिए ये देखना है कि कोई भी SIP हो 10 से अगर वो 15% के बीच में रिटर्न दे रही है तो आप लोग इस गोल को पा सकते हैं। यहाँ पे गोल को पा सकते हैं इन द सेंस दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम प्लानिंग करते हैं 1 करोड़ की, आप लोग 50 लाख की भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर 1 करोड़ की प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पे अगर 5 से 10 साल की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप 1 करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, काफी ज्यादा अमाउंट आप लोग को डालना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन वहीं पे अगर इसके डाउन पेमेंट की बात करते हैं, डाउन पेमेंट इन द सेंस कि अगर कोई भी कंपनी की बात करते हैं, कोई भी घर खरीदना चाहते हैं या फिर आजकल कोई भी जमीन ले रहे तो यहाँ पे आप लोगों को किस्तों में मिल जाती है, तो अगर उसके लिए डाउन पेमेंट आप करते हैं 1 करोड़ तक का अगर आप घर खरीदते हैं तो आप लोगों को 10 से 25% तक का जो कि डाउन पेमेंट करना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं कि आप लोगों को 5 से 7 साल बाद 25 लाख रुपए तक का डाउन पेमेंट करना है अगर आप लोग 1 करोड़ तक का घर खरीद रहे हैं या फिर फ्लैट खरीद रहे हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों 25 लाख आप लोग को इकट्ठा कैसे करना है, यहाँ पे आप लोगों को 30,000 की SIP करानी है और वो रिटर्न आप लोगों को मिलता रहे 10 से 12% तक के बीच में, यानी कि अगर कोई भी फंड आप लोगों को 10 से 12% तक का रिटर्न दे रही है तो आप लोग यहाँ पे 30,000 महीने की SIP करके इकट्ठा इस फंड को कर सकते हैं, यानी कि 25 लाख तक के फंड को इकट्ठा कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आप अवधि को बढ़ा देते हैं। रुकिए रुकिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा हो कि हम 30,000 रुपए महीना कहाँ से लाएं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को फंड का जो ड्यूरेशन है, जैसे कि मैंने आप लोगों को 5 साल के लिए बताया, तो आप इस फंड को बढ़ा दीजिए, यानी कि आप इस फंड को 10 साल लेकर के चले जाइए, यानी कि 10 साल तक आप निवेश कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे करना क्या होगा कि आप लोग निवेश कीजिए 15,000 से स्टार्ट कीजिए और फिर साथ में चले जाइए आप लोग हर साल इसमें 2 से 3 हजार रुपए, जितनी भी आप लोगों की कैपेबिलिटी हो, लेकिन यहाँ पे 2,000 रुपए हर साल इसमें बढ़ाते चले जाइए तो आप लोगों का ये अचीव हो जाएगा गोल अगर 10 से 12% तक का कोई भी SIP रिटर्न दे रही है, कोई भी फंड रिटर्न आप लोगों को दे रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप 50 लाख की प्लानिंग करना चाहते हो तो वहीं पर आप लोग का निवेश बिल्कुल आधा हो जाएगा और उसी तरह से आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह की आप लोग स्ट्रेटेजी अपनाइए। सबसे पहले तो आप लोग सोचिए कि आप लोगों को किस तरह का फंड चाहिए और कितने समय तक के लिए चाहिए हमें, यानी कि हम कितने सालों बाद अपने घर को खरीदना चाहते हैं, 5 साल या फिर 10 साल या फिर 15 साल, ये आप लोग का मेन मुद्दा है। फिर उस हिसाब से आइए आप फंड के साथ, म्यूचुअल फंड के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मैंने कई सारे फंड बता रखे हैं चैनल पे, जहां पे आप लोगों को 40 से 50% तक का भी इन्होंने रिटर्न दिया है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप IT सेक्टर में निवेश करते हैं तो अभी अगले 1 साल तक आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप लोग IT सेक्टर की मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पे आप लोगों को 52% तक का रिटर्न दे रही है। कई सारी फंड है, वहां पे आप लोग जाकर एक बार चेक कीजिए। मैं आप लोगों को नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा
प्लेलिस्ट की, जहां पे आप लोग को सारे फंड्स की जानकारी मिल सकती है, चाहे आप किसी बैंक पे भरोसा करते हैं, चाहे आप प्राइवेट कंपनी के म्यूचुअल फंड पे भरोसा करते हैं, चाहे आप विदेशी कंपनी के म्यूचुअल फंड पे भरोसा करते हैं, अगर वो फंड प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां मैंने सारे फंड्स के बारे में बता रखे, मतलब पर्टिकुलर एक कंपनी के बेस्ट 5-5 म्यूचुअल फंड के बारे में बता रखे, आप लोग जिस पर भरोसा करते हैं वहां पे आप जाकर के चूज कर सकते हैं, और काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं उनके 3 साल और 5 सालों के देखा जाए। और दोस्तों यहां पे आप लोग को ये देखकर ही चूज करना है कि उनके पिछले रिकॉर्ड कैसे हैं, पिछले रिटर्न कैसे हैं, इसलिए मैं आप लोग को ये सारी वीडियोस रिकमेंड कर रहा हूं, तो आप लोग अपने हिसाब से इस फंड को चूज कीजिएगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उन वीडियोस में जरूर पूछेगा, बाकी यहां पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग बेफिक्र होकर के पूछिए, या फिर contact@theindianfever.com पे मुझे ईमेल कीजिए। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी और मैं जो आप लोग को समझाना चाहता था वो मैं समझा पाया। अगर नहीं समझा पाया दोस्तों तो क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है, अगर मैं अपनी बातों को पूरी तरीके से नहीं रख पाया तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर, या फिर ईमेल कीजिएगा मुझे। तो चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी फंड प्लानिंग कर सके और अपने ड्रीम हाउस को अचीव कर सके। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बोले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो हमारी इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को रोजाना 2 मिलती रहेंगी। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।